फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलेशन। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है? तो मोस्टली जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें तीन पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक तो है हमारा लंग्स, ठीक है, दूसरा है हार्ट, और थर्ड है हमारा टोटल बॉडी। थ्री पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो लंग्स, एक है हार्ट और थर्ड है बॉडी। जो ऊपर वाले होते हैं उनको कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल। राइट की तरफ को राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट की तरफ को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यह आता है फॉर और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ये आता है यहां पर, जो ये वॉल होता है उसको कहते हैं मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल के थ्रू आता है ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल के ये होता है एओर्टिक वॉल, एओर्टिक, और जो एओर्टिक वॉल और ये पल्मोनिक वॉल होता है यहां पर, पल्मोनिक, एओर्टिक वॉल और पल्मोनिक वॉल, इन दोनों वॉल को कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल। और जो एट्रियम और ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है, एक लंग्स, हार्ट और ये, तो ये पहले लेफ्ट दोनों ट्राइकस्पिड और मिडल वॉल, इन दोनों को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़ते हैं उसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। दो वॉल हो गए, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और एक हो गए सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल तो वो हो गए एओर्टिक और पल्मोनिक, और जो हो गए ये बाइकस्पिड जिसको कहते हैं मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड, इन दोनों को आपस में कहते हैं ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। अब ब्लड आता है ये फॉर पल्मोनरी वेन से लंग्स के थ्रू, ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी के अंदर ये कौन सा ब्लड सर्कुलेट होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये बॉडी से वापस निकलता है तो ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आता है वापस सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ऊपर की तरफ होती है हमारी सुपीरियर वेना कावा, इसके थ्रू ये ब्लड आता है जहां पर ऐसे नोड होता है उसके पास में आ जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आ गया वापस राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये आती है हमारे, ये वापस जाता है लंग्स में, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये टू इन नंबर, ठीक है। तो मोस्टली हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें थ्री पार्ट इन्वॉल्व हो गए, एक तो लंग्स, एक हार्ट, और उसके अलावा जो बाकी बची है वो है हमारी बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले जो 4% तो ये खुद कर लेता है, उसके बाद जो बाकी वैसा जो ब्लड होता है इसके
वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। इसके अंदर जो सर्कुलेट होता है वो तो कोरोनरी आर्टरी करती है और कार्डियक वेन वगैरह और ग्रेट कार्डियक वेन वो सप्लाई करती है इसके अंदर खुद की ब्लड की सप्लाई, और जो ये हार्ट ये वापिस लाके जोड़ेगा तो इस पॉइंट को कहते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। जो हार्ट का ब्लड, हार्ट का डी ऑक्सीजनेट ब्लड ये राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में आता है, उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। जो पार्ट जहां से ये ब्लड राइट एट्रियम के अंदर इन्वॉल्व होता है उस पार्ट को कहते हैं कोरोनरी साइनस, और यहां जो कोण बनेगा उसको कहते हैं कोस ट्रायंगुलर, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजनेट ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेट ब्लड आता है बॉडी में, बॉडी से ऑक्सीजनेट ऑक्सीजन तो टिश्यू या सेल्स ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के अंदर, तो उस ब्लड को कहते हैं डी ऑक्सीजनेट ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो ये डी ऑक्सीजनेट ब्लड सुपीरियर, ये इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है राइट एट्रियम, जहां एसए नोड होता है। एसए नोड को क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड, जो मॉडिफाइड मायोसाइट सेल होती है, और एसए नोड के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, देन स्पर्म, स्पर्म में सबसे ज्यादा, और स्पर्म के बाद में एसए नोड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जिससे एटीपी जनरेट होती है, और सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम इन दोनों तीनों के आयन के मैकेनिज्म के कारण यहां पर इंपल्स जनरेट होती है, हार्ट खुद की इंपल्स खुद जनरेट करता है, इसलिए एक्साइटेबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों अपवाद है, क्योंकि पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, डी ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के समय जो अम्बिलिकल वेन होती है वो भी ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करती है, ये दोनों अपवाद होते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन चार नंबर होती है, यानी फोर पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेट ब्लड लेके आती है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सर्कुलेट और सुपीरियर और इंफीरियर वेना के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो टू इन नंबर होती है, दो पल्मोनरी टू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वापस ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से वापस प्योरीफाइड या ऑक्सी ओके ये ब्लड आता है वापस पूरी बॉडी के अंदर। इस टाइप से पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है हार्ट का, दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्यों, एक तो ये पूरी बॉडी में वापस पूरी बॉडी से होते हुए फिर वापस हार्ट में आया और फिर वापस लंग्स में गया, तो फर्स्ट पार्ट तो ये पूरी बॉडी से ये हो गया और सेकेंड हो गया हमारा लंग्स, तो इसलिए कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये है पूरी बॉडी का सर्कुलेशन ऑफ बॉडी, इन पूरी बॉडी का अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। थैंक यू टू सी।